नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट और मैं हूं अजीत। संथाल आदिवासियों का एक महापर्व जिसे कहते हैं वो सोहराय इन दिनों चल रही है। सोहराय की धूम 5 से 15 के बीच तक चलती है और अलग अलग तिथियों में लोग इसे अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से मनाते हैं। मगर इसी सोहराय को लेकर कहे कि संथाल परगना के 2 जिलों में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। दरअसल 2-3 दिन पूर्व गुड्डा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा अपने सोशल साइट पर एक चीज़ मेंशन किया गया था सोहराय के बारे में, जिसको लेकर दुमका स्टूडेंट यूनियन द्वारा इनके खिलाफ गुड्डा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिकी लॉन्च की गई थी। सर कल आते हैं सर। रजनी कुमारी जो गोटा पुलिस के स्टाफ है उनके द्वारा आज आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि कुछ छात्र स्टूडेंट जो यूनियन वगैरह में हैं वो उनको बहुत धमकी दे रहे हैं कि उनका बेटा जो बोला जाता आदिवासी में कि उनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, इस तरह की बात उनके साथ हो रही है और उनको कुछ हमला हमला का संभावना लगता है। इस मामले को हम लोग देख रहे हैं और इसमें जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब क्या है मामला, आज इसी बात पर हम बात करने के लिए, चूँकि उसी बात को लेकर प्रोफेसर रजनी मुर्मू जो हैं वो नगर थाना गोड्डा पहुंची है और उन्होंने उसी पर काउंटर केस किया है। और क्या है मामला पूरा उन्हीं से जानते हैं। रजनी जी, आखिर सोहराय जैसे पर्व को लेकर जिस तरह से आपने अपने साइट पर कुछ लिखा था, ऐसी क्या चीज़ थी जिसको लेकर स्टूडेंट इतने उद्वेलित हुए और आपके अगेंस्ट में ऐसा कदम उठाया उन्होंने? देखिए, सोहराय संथालों का, झारखंड में संथालों की सबसे ज़्यादा संख्या है आदिवासी के रूप में और संथालों का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय और उसको गाँव में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिनों का पर्व होता है ये और बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मनाया जाता है। बहनों को बुलाया जाता है और हमारा जो जिससे खेती होती है आदिवासियों की, गाय बैलों की पूजा की जाती है, तो ये बहुत ही प्रकृति की पूजा की जाती है, पूर्वजों की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ सालों से मैं देख रही हूँ जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे आदिवासी जो शहरों में आ गए हैं, खास करके जैसे हॉस्टल्स बने हुए हैं आदिवासी हॉस्टल जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने भी एक तरह से सोहराय मनाने की परंपरा, एक दिवसीय एक तरह से गैदरिंग टाइप का होता था, वो लोग मनाते थे, पूजा भी करते थे एक दिन का और फिर नृत्य का कार्यक्रम सोहराय जिसको बोलते हैं वो होता था। तो शुरुआत में ये बहुत अच्छे तरीके से होता था लेकिन कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पे जैसे कि महिला हॉस्टल से लड़कियाँ आती हैं या आसपास शहर की लड़कियाँ आती हैं, तो मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया था 2 साल पहले और वहाँ पे मैं देख रही थी कि लगातार लड़कियों के साथ, एक हमारे यहाँ लड़कियाँ जो नाच कर डांस करती है ना, उसमें एक होता है सोगोय, लड़के लोग करते हैं, तो सोगोय करते करते वो लोग बहुत ही अभद्रता पे उतर जाते हैं और अश्लील कमेंट करने लगते हैं, जिस वजह से लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, खुद मैंने भी झेला है। और ये सिर्फ SP कॉलेज में इतना ज़्यादा होता है इस तरह की घटना, बाकी जैसे आप जामताड़ा कॉलेज भी मैंने वहाँ भी देखा है, मैं इससे पहले पाकुड़ कॉलेज में भी थे, वहाँ पे भी बच्चे बहुत ही विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन SP कॉलेज का जो छात्र संगठन है या जो वहाँ के आयोजक है जो आयोजित करते हैं, वो लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाह होते हैं। इस बार भी सोहराय में कल परसों जो मनाया गया वहाँ पर भी कुछ लड़कियों ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ भी इस बात को लेकर झड़प हो गई थी, वहाँ भी लड़के लोग बदमाशी कर रहे थे डांस करने के दौरान, तो ये सब चीज़ तो गलत है ना। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आपने अपने सोशल साइट पर इसका मेंशन करते हुए इनडायरेक्टली कहा? नहीं, मैंने डायरेक्ट कहा है कि SP कॉलेज में ऐसी बातें होती है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, आप YouTube में वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के जो हैं हुड़दंग करते हैं और पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं, तो ये तो एक तरह से मतलब संस्कृति का एक तरह से विभ्रंश ही कहेंगे, एक तरह से संस्कृति का दोहन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारी आदिवासी संस्कृति जो है इतनी अच्छी है, इनको कहीं ना कहीं भ्रष्ट करने का कुछ जो असामाजिक तत्व है कोशिश करते हैं और इस पे लोगों को मेरे ख्याल से ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम हमारा जो समाज है, संस्कृति, वो आगे बढ़े और आगे तभी बढ़ेगा जब उस समाज की महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वो समाज आगे नहीं बढ़ता है, ये हम जानते हैं।
तो अभी जैसे कि मैं कह रहा था कि दुमका के नगर थाना में आपके खिलाफ इसी पोस्ट को लेकर कुछ FIR लॉन्च की गई है जी। तो अभी आप नगर थाना गोड्डा में हैं, क्या कुछ है ये मामला? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या उसमें लिखा है क्या, क्योंकि मुझे कोई नोटिस नहीं आया है थाना की तरफ से। लेकिन उस रात मुझे फ़ोन आया था, 2-3 नंबरों से मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने बाकायदा मुझे धमकी दी कि आपको इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बदनाम नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने देखा भी है, तो जो गलत चीज़ अगर हम समाज में देखते हैं तो उसके खिलाफ तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी महिलाएं अगर नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा, है ना। तो बाद में लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि आप इस तरह से हम लोगों को बदनाम कर रही हैं, हमारे कॉलेज को बदनाम कर रही हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि आप बदनाम कर रही हैं, हम लोग आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और उन्होंने एक शब्द कहा कि आपका हम लोग बिटलहा कहेंगे आदिवासी समाज। सोशल मीडिया पर एक खबर भी वहाँ से चल रही थी दुमका में, जिसमें उन्होंने कहा कि बिटलहा करेंगे या सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो इसको लेकर आपने कुछ कदम उठाया है? जी बिल्कुल, इसी लिए मैं यहाँ पे थाने आई हूँ। हाल फिलहाल में झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया है कि किसी का सामाजिक बहिष्कार करना या व्यावसायिक बहिष्कार करना मॉब लिंचिंग के तहत आएगा, वो एक जुर्म होगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में वीडियो में ये स्पष्ट कहा है कि वो मेरा बिटलहा करेंगे। बिटलहा आदिवासी समाज में पुराने समय में बहुत प्रचलित था और आज भी देख रहे हैं पढ़े लिखे कुछ, वो अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, श्यामदेव हेमरम नाम है उनका, वो अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, श्यामदेव हेमरम और प्रेमराज हेमरम और एक राजीव बास्की, हाँ ये तीन लोग जो SP कॉलेज में वो अपने आप को छात्र नेता कहते हैं लेकिन वो छात्र हैं नहीं। कई सालों से वो हॉस्टल में अपना अवैध रूप से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, वो छात्र वहाँ के हैं नहीं और एक तरह से गंदी राजनीति करते हैं वहाँ पे बच्चों को गलत एक तरह से, आप देख ही रहे हैं कि उस सुधरने के बजाय वो उल्टा है ना। महिलाओं के साथ अगर मैंने कहा, एक मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के साथ अगर मैंने कहा कि वहाँ पे गलत व्यवहार होता है तो उनको एक जिम्मेदार छात्र नेता अगर वो कह रहे हैं तो उनको वहाँ पे सुधार करना चाहिए था कि भाई हाँ, अगर लड़की हमारी लड़कियों के साथ अगर ये ऐसा हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है तो उस पर वो एक्शन लेते। एक्शन लेने के बजाय उन्होंने मेरे खिलाफ ही वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कैसा बात हो गया। तो अभी जो आप टाउन थाना आई हैं गोड्डा में, तो क्या कुछ लिख के आपने दिया और क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? थाना प्रभारी महोदय ने कहा है कि वो इस पर जांच करेंगे और लोगों के जिनके खिलाफ भी अगर मामला सही पाया गया तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। मैंने सारे एविडेंस वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मेरा सामाजिक बहिष्कार करेंगे, मैंने सारा उपलब्ध करा दिया है जी। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगी या फिर किसी दबाव में नहीं आना है? बिल्कुल, मेरी तो बचपन से ही आदत है, मैं कभी कभी दबाव में नहीं आई। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने झेले हैं और मैं हमेशा आदिवासी महिलाओं, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, मैं जानती हूँ आदिवासी महिलाएं यहाँ झारखंड में महिलाओं की डायन के नाम पर कितनी हत्याएं होती हैं, लड़कियों की तस्करी होती है आदिवासी महिलाओं की। तो मैं लगातार आदिवासी महिलाओं के फेवर में बोलती रहूंगी, जिनको जो करना है वो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने स्टैंड पर खड़ी कायम रहूंगी। तो ये थी गोड्डा कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू, जो शुरू से ही अपने कॉलेज और नौकरी के दरमियान भी ये हमेशा से आदिवासी महिलाओं के लिए हमेशा मुखर रही हैं और सोशल साइट पर ये हमेशा मुखातिब रहती हैं और बड़े उग्र तरीके से सही ढंग से औरतों का बचाव करते हुए नज़र आते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि समय समय पर इन्हें इस तरह की मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब इन्होंने नगर थाना में इसके उन लड़कों के खिलाफ, उस सोशल साइट्स के खिलाफ आवेदन दर्ज किया और थाना से भी इन्हें आश्वासन मिला है। देखना क्या कुछ होता है इस मामले में, नगर थाना द्वारा क्या कार्रवाई होती है और दुमका नगर थाने द्वारा भी क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये हम आपको अगली खबर में बताएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।